नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई कि एएलपी का टेस्ट नंबर 3, यानी दो टेस्ट आपको डिस्कस कर चुके हैं, तीसरे टेस्ट की बारी है। कोशिश कर रहे हैं कि अल्टरनेट डेज पर एक दिन आपको टेस्ट, यानी जैसे एएलपी में पेपर आते हैं वैसे आपको डिस्कस करें और एक दिन आपको चैप्टर, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बताते चलें। और जिसको जैसे अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी चैप्टर्स में डाउट है आप बिल्कुल भाई, स्टार्टिंग में हमने बहुत बेहतर तरीके से सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो आप डालोगे भाई, मान लीजिए आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम है तो आप डालिए भाई, परसेंटेज भाई शिवानंद सर आपके सामने खुल के आ जाएंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन सब कुछ बता चुके हैं। तो चलो भाई, बिना डिले किए हुए हम लोग आज मॉक टेस्ट टाइप का ये समझ या टेस्ट पेपर ये सॉल्व करते हैं, जो कि किसमें आरआरबी एलपी 2024 के लिए तथा सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। सभी एग्जाम का मतलब वन डे एग्जाम की हम बात करें, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दोगे या आप सीएचएसएल का एग्जाम दोगे या सीजीएल का एग्जाम दोगे, सब में इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली देखने को मिल जाते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट डिले दिस समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा भाई कि परिमेय संख्याएं इतना इतना तो आरोही क्रम में रखा जाए तो इसमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। सबसे पहले रखने का मतलब हुआ, आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ भाई, आरोही का मतलब बढ़ते हुए, बढ़ते हुए का मतलब जैसे हम बोल दें 5, 4, 3, 2, यहां पे 7, ऐसे नंबर्स हैं। अगर आपको कह दे भाई कि इस नंबर्स को आप जो है आरोही क्रम में सजाओ, तो आरोही क्रम का मतलब हुआ सबसे पहले छोटी संख्या, यानी 7, 2, 3, 4, 5 में सबसे पहले 2 आएगा, फिर आएगा क्या भैया 3 आएगा, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7 आएगा, यही आरोही क्रम हुआ। और दूसरा हुआ अवरोही, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ ना, और दूसरा अवरोही का मतलब हुआ यानी घटते हुए क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ी संख्या 7, 5, 4, 3 और 2, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, याद करिए। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कहोगे ना सर आरोही अवरोही समझ में आ गया ना, बिल्कुल सर, यानी बढ़ते हुए घटते हुए कदम, कदम का मतलब हुआ संख्याएं। अब फिलहाल अब आपके पास फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको बताना, सभी माइनस में दिया है। एक चीज आप बताओ कि आपसे बोल दिया -3 और -5 में कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी मानी जाएगी, यानी अगर हम बात करें -3 is greater than -5, कहोगे यस सर, तो माइनस जो संख्या छोटी होती है दिखने में वो बड़ी मानी जाती है। ये माइनस चाहे यहां लगाओ चाहे यहां चाहे बीच में, यानी सारे नंबर्स, ये चारों संख्याएं माइनस में है, तो इन चारों संख्याओं को अवरोही का मतलब ये हुआ, माइनस में अगर संख्याएं हैं सबसे छोटी संख्या बताना पहले कौन से रखोगे, इसका मतलब हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए, यानी माइनस है सबसे, इसमें बड़ी संख्या जो होगी वो माइनस में छोटी मानी जाएगी ना। बताओ समझ में आ रहा क्या करें, जो सबसे बड़ी संख्या होगी माइनस में छोटी मानी जाएगी। याद करो आप फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हो, जैसे 4 और 9 का अंतर कितना है, यानी कहोगे सर 5 है ना, और फिर 18 और 7 का अंतर कितना है, 18 और 7 का अंतर, सबको ध्यान दो 18 और 7 का अंतर, कुछ नहीं करना सर, यानी 11, फिर जो है 6 और 5 का अंतर 1, 2 और 3 का अंतर 1, आप क्या करते हो, यानी इन सबका एलसीएम, यानी 11, 1 और 5 इन सबका एलसीएम किससे डिवाइड करें, या तो हम ऐसे करें अंतर को ही इसी से भाग कर दे, या आप ऐसे करो इनका एलसीएम कितना हुआ 55 हुआ, और 55 से सब में मल्टीप्लाई कर दें, इनका एलसीएम कितना हुआ 55, कहोगे हाँ सर, अब 5 से कितना 5, 11, तो 5 से 55 में भाग करोगे 5, 11, 11 चौक 44, ये 44 आ जाएगा, फिर 11 पचे 55, 5 से 7 पचे 35 आ जाएगा, फिर यहाँ पे यानी 1 से 55, 55 × 5, 55 × यहाँ, यहाँ 1 से 55, 55 × 2, तो आप बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, देखने में 55 × 5 सबसे बड़ी संख्या ये, यानी 5/6 सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब -5/6 जो है सबसे पहले आएगी, -5/6, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट।
ध्यान समझे ना क्या करते थे आप लोग, यानी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए इनका अंतर जो होता उनका एलसीएम लोगे तो इसी अंतर से भाग करोगे जितनी बार जाएगा उससे, न्यूमरेटर में सबके गुणा कर दोगे, अपने आप पता हो जाएगा कि भाई डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, अपने आप पता हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या क्या है और बड़ी माइनस में बड़ी वाली छोटी होती, इसलिए ये आंसर कहोगे। हाँ सर चलो इसको बताओ, बिल्कुल आसान सा है, बस सिर्फ पढ़ना है और आंसर बताना, ये बहुत बार सॉल्व कर चुके होंगे। एक शहर की 62% जनसंख्या इतना है, 62% पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एजुकेटेड है, शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतना है तो शिक्षित लोगों की संख्या आप बताओ, हम यहां शहर की टोटल पॉपुलेशन कितना मानेंगे, यानी कह दिया जाए 62% शिक्षित हैं तो कुल पॉपुलेशन कितना मानेंगे भाई, 100 मानेंगे ना, यानी 100 मानेंगे, 100 में 62% अगर एजुकेटेड हैं यानी शिक्षित हैं तो डेफिनेट यानी 100 में से 62 घटाओगे यानी 38% अनएजुकेटेड हैं, यानी अशिक्षित है ना, यानी कन्फर्म 62 अगर शिक्षित है बाकी अशिक्षित है तो यानी 38% क्या है, अशिक्षित है भाई। आपको कह रहा भैया अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, यानी ये 38% की वैल्यू दिया है और आपको शिक्षित 62% की वैल्यू निकालना है एजुकेटेड, यानी अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी दी है ध्यान दो, यानी 24,567 शिक्षित की वैल्यू चाहिए, यानी 38 की वैल्यू दिया है आपको 14,000 इतना, तो 62 निकाल लोगे आंसर, सॉल्व कर लीजिए, ये कटना चाहिए, ये ऐसे दिया ही है, 19 × 38 और 19 × 51 = 5, 19 × 76 = 57, नहीं 19 × 38 तो 12 × 5 = 17, 19 × 8 = 162, 19 × 9 = 171, 71 के बाद कितना, 71 के बाद भैया 5, 19 × 57 इतना, 2 से 31, लास्ट में 3 होगा क्या, 3 तो भैया 2 में हो गया, तो यहाँ पे 1 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, 1 × 9 = 9, 3 × 12 = 2, लास्ट में 2 × 3 होगा, 2 × 3 हाँ, यानी इसको गुणा करोगे 41,823 आंसर, यानी 31 × 1293 गुणा करिए इतना आ जाएगा आंसर, आसानी से बता सकते हो। यस सर कोई डाउट नहीं, चलो बिल्कुल इजी था, इसको देखो कह रहा कि यदि 40% ऑफ 70 इज x परसेंट, इंग्लिश से पढ़ो थोड़ा अच्छा लगेगा, मोर देन 30% ऑफ 80 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी ये मान इससे x परसेंट ज्यादा है, मतलब कितना परसेंट ज्यादा x की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे 40% ऑफ 70 का मतलब देखो 40% और इंटू 70 तो कितना आसान है, 1 × 7 = 28, यानी 28 भैया इसका मान हुआ, इसका सर 30% ऑफ 80 तो कहोगे सर 80 ठीक है, तो 30% है 30/100 करोगे, हम कहां गड़बड़ कर दी, 8 × 24 आप बताओ, यानी 28 / 24 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत मोर है, यानी 24 से 28 4 ज्यादा, किससे, 24 से इंटू 100, तो परसेंटेज कितना, 4 × 6 = 24, यानी 100/6 का मतलब 16 / 2/3% या 16.67%, यानी ये तो x परसेंट का मतलब x परसेंट ज्यादा, यानी 16.66% ज्यादा है, तो इसका मान 28 हुआ, इसका कितना हुआ, इसका आप कहोगे 24 हुआ, चाहे ऐसे करो 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24, 7/6 से कितना ज्यादा है, 21 से 6 से, यानी 16.66 1/6 की वैल्यू हुई, कहोगे ऐसा ये सब आसान है, इसको बताओ। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी उत्पाद का बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मूल्य के मानों का परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी, जबरदस्त क्वेश्चन, द प्रॉफिट मेड ऑन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इज 25%, प्रॉफिट मेड ऑन द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट को सेल करने पर 25% का लाभ हुआ, यानी एक उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, मतलब किसी उत्पाद को बेचने पर हुआ लाभ, इफ द प्रॉफिट मेड ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 25%, समझिए क्या, तो बिक्री पर हुआ लाभ इतना है ना, तो सेल ऑन ऑफ द प्रोडक्ट इज 25%, तो आप कहोगे सर सेल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी सेल अगर आपको बोल दिया जाए, अगर 100 रुपए की सेल हुआ तो प्रॉफिट कितना, इसका 25, यानी 25 रुपए का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में, यानी सेल 100 रुपए का, वो 100 रुपए का इतना है, 100 रुपए में उसे बेचा और 25 का लाभ हुआ, 75 उसका खरीद मूल्य है, कहोगे हाँ सर,
जितना बेचा है ध्यान दीजिएगा उसका 25 लाभ लिया है, तो सेल अगर 100 होगी उसका 25% 25 का लाभ, तो उसका खरीदा कितना होगा उसने सेलर ने, तो कितने में? 75 में। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी ये इधर चलाए ये इधर चलाए, तो प्रतिशत हानि बताइए। तो आप बताओ, तो प्रतिशत हानि बताइए किस पर? तो भाई यहां पे प्रतिशत हानि कैसे होगी, ये गड़बड़ है। या तो हम क्वेश्चन ऐसे दे जाए, क्योंकि अगर ये 75 हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। हाँ सही भाई, यानी ये भाई 75 में बेचें और खरीदें 100 में, हानि हुई तो 100 का 25 कितने परसेंट का लॉस हुआ? अरे भाई इतना आसान है, यानी कहोगे 25 का हानि हुआ किस पे? 100 पर इंटू 100, मतलब क्वेश्चन को घुमा दिया है। यानी 100 पर 100 को में खरीदते हैं और 75 में बेचेंगे, तो देखते ही बता दोगे 25% हानि, मतलब घुमा दिया क्वेश्चन। 100 बिक्री मूल्य है तो 25 का लाभ, यानी खरीद मूल्य 75, 75 और 100 को इंटरचेंज कर लो, यानी 100 में खरीद बेचे और 100 में खरीदे और 75 में बेचे, तो हानि होगी 25 का 100 पर, डायरेक्टली बता दो। गजब क्वेश्चन, मतलब इतना आसान सा क्वेश्चन। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो क्रय मूल्य, यानी 17 गेंद को बेचा है 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो भाई 17 को बेचा है, 17 को खरीदा भी होगा, 17 खरीदा 17 को बेचा, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो याद कीजिए, तो आप मान लो एक गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य सीपी ऑफ वन बॉल, आप बोल सकते हो ना क्रय सीपी ऑफ वन बॉल, गड़बड़ क्यों हो जाता है यार देखो यहां से, चलो कोई बात नहीं, अच्छा आ गया आ गया, सीपी ऑफ सेम क्वेश्चन आ गया। तो सीपी ऑफ वन बॉल का मतलब सीपी क्रय मूल्य, सीपी ऑफ वन बॉल, एक बॉल का क्रय मूल्य भैया एक्स रुपए है। कहोगे उसने 17 गेंद को खरीदा है कितने में? 17 एक्स में। 17 को बेचा 720 में और लाभ कितने का हुआ? 5 गेंद के क्रय मूल्य, यानी 17 खरीदा है तो 17 बेचे, 17 बेचा 17 खरीदा भी होगा, 17 का विक्रय मूल्य माइनस 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर कितना लाभ? तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो पता है 17x, यानी 17 को बेचा है 720 में तो 5 के विक्रय मूल्य बराबर हानि हुआ, तो बिल्कुल कंफर्म है 17x सीपी हुआ और 5 इसका तो इधर चलाएगा। बताओ कोई डाउट है? कहोगे नहीं सर बिल्कुल आसान है। अरे यार 17 गेंदों के लाभ नहीं हानि हुआ, तभी तो गड़बड़ हो जाता है। आपको पता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस लाभ नहीं, विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य, यानी अगर हम बोलते 200 में बेचते हैं और 50 रुपए का लॉस हुआ तो खरीदेंगे कितने में? 250 में, हम लाभ पड़ रहे थे हानि दिया है, गड़बड़ कर दोगे भाई फिर तो। ये तो आसान क्वेश्चन है, यानी 720 में बेचा और 5x के, यानी 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य ये हुआ, तो 5x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 17x माइनस 5x यानी 12x बराबर कितना? 720, तो x बराबर कितना? तो 720 डिवाइड बाई 12, तो 12×72 यानी 60 रुपए भैया एक गेंद का क्रय मूल्य। तो एक गेंद का क्रय मूल्य 60 रुपए, यही पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन जरा सा भी सावधानी से नहीं पढ़ोगे भाई तो जल्दबाजी में, देखो सबसे आसान क्वेश्चन था ये, आप बहुत बार सॉल्व कर देंगे, जैसे हम वहां गलती से अगर लाभ हानि को लाभ पढ़ लेते तो गड़बड़ हो जाता, आता नहीं आंसर। चलो इसको देखो, ये क्वेश्चन तो हमें पूरी उम्मीद है सबको पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1400 में खरीदी गई साइकिल को 15% हानि में बेच दिया जाता है, विक्रय मूल्य बताएं कि आगे चले? चलो बताते हैं भाई, 1400 में खरीदा गया 15% हानि पर बेचने का मतलब 100 में खरीदा गया 85 में बेचा गया, 15% लॉस का ऑब्जर्वेशन क्या है? लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 100 रुपए, 15 लॉस का मतलब 85 में बेच देंगे, तो 100 की वैल्यू दिया 85 निकाल लो। चाहे कुछ लोग ऐसे करेंगे, सर हम ऐसा क्यों करें, 1400 का कुछ लोग 15% निकाल लेंगे, यानी इतने की हानि हुई, तो 14×5=70, 14 × 1=14 और 7 कितना हुआ? 21, यानी 210 रुपए की हानि हुई। 1400 में से 210 घटा देंगे तो आ जाएगा 11, कितना? 1290। और चाहे देखो ऐसे बात हुई है, 14×5=70, 14×8=112, 7 कितना हुआ? 112 और 7 109, यानी 1190। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, सबसे आसान क्वेश्चन यही था। इसको देखो, एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता,
यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर इतना खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट दिया, तो भाई अगर दिसंबर में उसने इसको खरीदा तो जनवरी में उस वस्तु, मतलब ये बताओ जनवरी में क्या था, जनवरी में जो मूल्य था 4 महीने बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में फिर छूट देगा, फिर कितना, मतलब एक साल की अगर हम बात करेंगे तो चार, एक साल में 3 बार, 4-4 महीने पे छूट देगा तो 3 बार छूट देगा, यानी पहली बार 10% देगा जनवरी से अप्रैल यानी मई में, और फिर 10% देगा, और फिर 10% देगा, यानी एक ग्राहक था इंतजार कर रहा था भाई कि जो है ध्यान समझिए कब जो है सबसे सस्ता सामान होगा, जनवरी में था हर 4 महीने पे 10% डिस्काउंट देता, तो दिसंबर में डिस्काउंट अगर कोई वस्तु खरीदेगा कितने में, 25,515 में, ये दिसंबर में, तो जनवरी में उसका मूल्य क्या रहा होगा, यानी जनवरी में जो भी रहा होगा तो जनवरी से 3 बार 4-4 महीने के गैप पे 3 बार डिस्काउंट दिया होगा किसी ने, तो जब तीसरा डिस्काउंट देगा खट देगा खरीद लेगा कितने में, 25,115, पहले क्या रहा होगा, चाहे ऐसे कर लो कि पहले मान लो इसका मूल्य ₹100 रहा होगा, तो पहले 4 महीने में 10% कम करेगा तो 90,200 से गुणा कर दो, फिर अगले 4 महीने में 10% करेगा फिर 90,200 से गुणा कर दो, फिर अगले 4 महीने में 10 कम करेगा 90,200 से गुणा कर दो, तो यानी कुल एक साल में कितना कम किया वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, चाहे उल्टा कर दो चाहे ऐसे बना लो, बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है, तो एक्सी वैल्यू ही क्या होगा, जनवरी में मूल्य हो जाएगा, यानी 9 × 9 × 9 3 बार यहाँ पे देखो 9 × 9 × 9 729 से गुणा कर डिवाइड करके 100 1000 लगा देंगे, या ऐसे करो 9 से देखो 9 × 9 = 9 9 9 × 9 = 18 9 × 9 = 18 7 9 × 8 = 72 9 × 3 = 27 9 × 5 = 45 फिर 9 से कटेगा 9 × 3 = 27 मतलब एक कटा दूसरा देखो 9 × 3 = 28 9 × 9 = 45 फिर 9 से कटेगा 9 × 3 = 27 और 9 × 5 = 45 और 3 0 लगा दो 35,000 एक्स की वैल्यू, सॉल्व करोगे 35,000, यानी दूसरा क्या था, ये जबरदस्त क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को घुमाया है बढ़िया, कहोगे हाँ सर वेरी गुड, तो चाहे आप जो है यानी 3 बार कम 10% कर्म करने के बाद उसकी वैल्यू है तो स्टार्टिंग में कितनी होगी ये समझो, और चाहे एक्स मानकर ऐसे बताओ, बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, देखो ध्यान से इसको, तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे, हाँ भैया, उसकी संख्या का अनुपात 7:9 था, तुलिप और इतना, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या कितना था, तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की अनुपात बताए, रे वाह इतना लेंदी क्वेश्चन दिया है और हमें लगता है सबसे आसान क्वेश्चन ही दिया है, क्यों, देखो तुलिप टी मान लो, आपको रेशियो निकालना सिर्फ, देखो तुलिप और देवांश डी कंचों की संख्या का अनुपात 7:9 हो गया, हाँ सर, और शीतल और देवांश, शीतल और देवांश का रेशियो 7:15, तो शीतल एस और देवांश डी का रेशियो 7:15, तो भाई देवांश के नीचे देवांश लिखोगे 15 और शीतल चली जाएंगी इधर 7, तो शीतल यहां कर दो, याद करिए यही करते थे ना, देवांश के नीचे देवांश शीतल इधर, इसके बगल पड़ोसी 9, इसके बगल पड़ोसी 15, ये तो हुआ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, जब आसान भाषा में करते तब, जो आपस में कॉमन है कट कर दो, नहीं तो पूरा सॉल्व कर दो, जैसे ये 3 × 5 = 15 कहोगे 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9 सर 7 × 5 = 35 15 × 3 = 45 7 × 3 = 21 यानी द रेशियो ऑफ टी तुलिप देवांश और आपके कौन शीतल साहब, इनके जो है कंचों की संख्या पूछा किसका जा रहा है, लेकिन करा कि तुलिप और शीतल, तुलिप के पास 35, शीतल के पास कितना 21, तो तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों का अनुपात 35 और 21 का अनुपात कहोगे, अच्छा सर 7 × 5 = 35 7 × 21 5 और 3, यानी इसको भी लिस्ट फॉर्म में करो, मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन था, 5 और 3 अच्छा नहीं सबसे आसान क्वेश्चन ये था, ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया हो, या ए रेशियो बी ए रेशियो सी दिया, तो ए बी सी बता सकते हो ना, वहां से ए और सी, ए और बी बता सकते हो, कहोगे हाँ सर, इसको देखो 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई, भैया एक टुकड़ा 12 भाग दूसरा 29 भाग दोनों, यानी इसको आपको 24.6 मीटर को इस अनुपात में बांटना है, तो बड़ा भाग 29 छोटा भाग
कितना, यानी 12, तो 12 और 29 कितना हुआ सर 41 ना, 30 दस 41 भाग, तो 41 की वैल्यू दिया है, तो बड़े वाले भाग की वैल्यू 29 भाग की वैल्यू निकालना है, यानी 12 41 में 29 भाग की वैल्यू, 41 की वैल्यू इतना कुल भाग और 29 बड़े भाग की वैल्यू चाहिए, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो 6 करें तो 0.6, 6 9 54 और 6 2 12 और 5 कितना हुआ 12 5 17, कहोगे वाह सर क्या आएगा 17.4 आएगा ऑप्शन नंबर 3। इतना आसान क्या ALP में आया है सर, CBT 1 में कुछ भी आ सकता है भाई, आज आसान वाले ले रहे हैं, नेक्स्ट समय मॉडरेट लेंगे या टफ लेंगे, ये इजी है लेकिन बिल्कुल कहोगे उस हिसाब से भाई आसान तो है। देखो 13वां, पी किसी काम को 10 दिनों में करता, कहोगे हाँ सर 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है और शेष काम आपके क्यू साहब 9 दिनों में करते हैं, यदि इन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो काम कितने दिन लगे होते, याद करिए पी 10 दिनों में काम कर सकता, 4 दिन काम करने पर पी काम छोड़ देता है, क्यू शेष काम को, मतलब देखिए दो एक ही वर्क को क्या दो अलग अलग दिनों में कर रहे हैं, नो सर, एक काम कर रहा है पी और उसको कंडीशनल क्यू कर रहा है, तो ऐसे कर सकते भाई पी एक दिन में पी काम करेगा, पी एक काम को भैया 10 दिनों में कर सकता है, तो पी का एक दिन का काम पी 10 दिनों काम पी इंटू 10 कुल काम हो गया, 4 दिन काम करने के बाद यानी पी जो है अब यही काम कंडीशनल, 4 दिन काम किया पी, पी काम छोड़ देता है भाई 4 दिन किया, क्यू ने इसे 9 दिनों में पूरा किया, याद करो आपको क्या बताए थे, जैसे M इंटू टोटल एक काम है, इसको अलग अलग ग्रुप के लोग करें M1D1 + M2D2, यानी टोटल काम अलग अलग ग्रुप के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, जैसे मान लो हम बोल दें एक हमारे जो दीवार है इसे 10 कारपेंटर 5 दिनों में पॉलिश कर सकते हैं, तो कहा 10 कारपेंटर 2 दिन तक किए फिर 5 और आ गए, तो वही चीजें हैं, यानी पी ने 10 दिन तक काम किया, 4 दिन तक किया छोड़ दिया, क्यों शेष काम को 9 दिनों पूरा किया, जो ये टोटल काम है ये 2 पार्ट में डिवाइड होके पूरा हो रहा। हाँ सर इससे क्या हमें होता, इससे ये पता चलेगा, देखो ये 10P इधर आएगा 4P, यानी 6P बराबर कितना 9Q, कहोगे पी और क्यू का अनुपात यानी कितना किस रेशियो से वर्क करेंगे ये आ जाएगा, 3 3 9 3 2 6, यानी P एक दिन में 3 काम, Q एक दिन में 2 काम करेगा, P और Q के बीच रिलेशन आ जाएगा, देखो 10P में से ये 4P घटाओगे 6P बराबर 9Q, तो क्या कह रहा, यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता कितना दिन पूरा होता, मतलब कौन से पी जिस काम को 10 दिनों में करता है उसे शुरुआत से पी और क्यू करते तो कितने दिनों में पूरा करते भाई M1 या D2 दिनों में, तो पी एक दिन में कितना करेगा 3 काम, तो पी की जगह पर 3 कर दो, 3 × 10 बराबर पी 3 और प्लस कितना क्यू एक दिन में 2, तो D2 वैल्यू निकाल लोगे, तो देखो यहाँ पे 3 2 5 2 9 10 3 2 9 6 दिन, भाई अगर दोनों एक साथ काम करते पी जिस काम को 6 दिनों में कर रहा दोनों मिलकर, कहोगे 10 दिन में कर रहा दोनों मिलकर 6 दिनों में, बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, बस सिंगल क्वेश्चन है सर, कन्फ्यूजन के लिए किया था, तो ये दोनों में रिलेशन बताने के लिए क्या है, और फिर जिस काम को पी कर रहा उसी को दोनों मिलकर पी और क्यू का इफिशियंसी का रेशियो आ गया, पुट कर दो। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखोगे ये बेस्ट वे है कि आप इसे ऑप्शन से करो, चलो पढ़िए ध्यान से भाई, कि एक टंकी को 2 पाइप द्वारा एक साथ 45/4 मिनट में भरा जाता है, कहोगे हाँ सर, बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भर सकता है, भर सकने का मतलब है भाई भर सकता है, यह याद रखिएगा यहां पर लिखा भर सकता है, कहोगे हाँ सर बड़े पाइप द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, जाहिर सी बात है कह रहा कि जो बड़ा पाइप है छोटे पाइप से कम समय ले रहा है, इसका मतलब बड़े पाइप की इफिशियंसी ज्यादा होगी और छोटे पाइप की इफिशियंसी कम होगी, कहोगे हाँ सर, तो ओके तो एक तरीका तो ये होगा भाई आप जो आसानी से सॉल्व कर सकते हो बेसिक वाला मेथड, आप क्या करोगे, कहोगे सर हमें ये पता है कि पहला और दूसरा यानी बड़ा पाइप और छोटा पाइप, मान लीजिए हम बड़े पाइप को ए मान लेते हैं भाई, बड़ा पाइप ए है वो अगर टंकी को भरेगा कितने टाइम में, अगर टंकी को जो भरेगा वो छोटे पाइप से 12 मिनट कम समय लेगा, यानी छोटा पाइप मान लो बी है, छोटा पाइप टंकी को भरने में x मिनट लेता है तो बड़ा पाइप भाई इससे 12 मिनट कम समय लेता, कहोगे हाँ सर, अब बड़ा पाइप x-12 यानी x-12 मिनट में भरेगा और छोटा पाइप भाई x मिनट में भरेगा,
तो दोनों मिलकर उस पाइप को 45/4 मिनट में भर सकते हैं। चाहे आपको इसको 1 मिनट में दोनों की इफिशियंसी बराबर कर दो, चाहे ऐसे करो भाई, एलसीएम लोगे हमेशा, जैसे पाइप ए 14 घंटे में भरता, पाइप बी 20 घंटे में भरता, तो आप क्या करते हो, दोनों का एलसीएम लेते हो, टंकी की कैपेसिटी मानते हो। वैसे यहाँ भी भाई, यहाँ एक्स के फॉर्म में एलसीएम लोगे तो कहोगे सर एक्स इंटू एक्स माइनस 12, ये क्या हो जाएगा सर, ये टंकी की कैपेसिटी हो जाएगा। अगर इस कैपेसिटी को ए एक्स माइनस 12 मिनट में भरेगा तो 1 मिनट में यानी डिवाइड करोगे x, और b कितना भाई, b के बारे में बात करोगे x माइनस 12 हो जाएगा। तो ये इफिशियंसी हो गया। अब दोनों मिलकर कितने टाइम में भरेंगे तो कैसे करते, तो कहोगे भाई दोनों मिलकर टाइम जो लेंगे, कैपेसिटी है x, x माइनस 12, कहोगे हाँ सर, और डिवाइड बाई, तो एक ही बड़े पाइप की x मिनट में, छोटे पाइप की इफिशियंसी x माइनस 12 मिनट में, यही तो हुआ। तो कैपेसिटी डिवाइड बाई इफिशियंसी टोटल टाइम, दोनों मिलकर टाइम लेंगे इतना, और एक्चुअली में टाइम लेते हैं 45/4 मिनट। ओके वाह सर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बताइए किसी कन्फ्यूजन है सर? कोई कन्फ्यूजन नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इसको सॉल्व करने में। लेकिन क्या ये तरीका सही तरीका है सर? नहीं, इससे अच्छा तो आप ऑप्शन से पिक कर सकते थे। आप जो है यहाँ, इससे सही है कि ऑप्शन से पिक कर लो, ज़्यादा आसान है। तो ऑप्शन से पिक करेंगे, इसको सॉल्व करो, सॉल्व भी कर दोगे, बहुत टफ नहीं होगा, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, पहला x मान लो, दूसरा x माइनस 12 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम यानी कैपेसिटी हो गया। इस कैपेसिटी को इतने टाइम में, तो डिवाइड करोगे x, इसका a का बड़े वाले इफिशियंसी, छोटे वाले की इफिशियंसी, तो टोटल पाइप को दोनों मिलकर कितने टाइम में भरेंगे, कैपेसिटी डिवाइड बाई दोनों की कार्य क्षमता जोड़ दोगे, ऐसे पहले करते थे। कहोगे हाँ सर, लेकिन सर ये सही नहीं है, मतलब ये लेंदी है, तो क्या और कोई तरीका? यस, चलो ध्यान समझिएगा, अब आप लोग इसको ऑप्शन से करो या लॉजिकल वे में करो। तो ऑप्शन से पहले देखते हैं, और डाउट होगा तो लॉजिकल वे में देखोगे ना, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, तो दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका यह कि हम ऑप्शन से लेट कर लें, मतलब बड़े पाइप एक टैंक को कितने समय में भरेगा, छोटा पाइप दोनों एक टैंक को कितने समय भरेगा, हमें पता है दोनों मिलकर यानी ए और बी दोनों को ओपन किया जाएगा, जो समय लेंगे वो कितना लेंगे भाई, हमें लाना है 45/4 मिनट लेंगे, ठीक है ना? बताओ कोई डाउट है? तो हमें ये पता है कि जो ए है बी से 12 मिनट कम समय में भरता है, या हम बोल सकते हैं कि भैया जो ए है ए जल्दी भरेगा और ये लेट में भरेगा, तो आप जल्दी, अगर ये जल्दी भरेगा लेट में, यानी ए जो है बी से 12 मिनट कम समय में, या बी ए से 12 मिनट अधिक समय में, अगर आप लोग इसको लेट करते भाई, जो छोटा पाइप, जो बड़ा पाइप है 30 मिनट में भरेगा, तो जो छोटा पाइप होगा वो कितने समय में भरेगा, यानी 12 और ज़्यादा, यानी कितना, 42 मिनट में। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम 45 के मल्टीपल के फॉर्म में आएगा। कहोगे नहीं सर, तो इसका मतलब ये इग्नोर करोगे, ये शायद अगर दोनों मिलकर करोगे तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 45 के मल्टीपल में नहीं आ रहा। 12वें की बात करो, अगर हम इसको 12 मान लें, तो 12 और 24 का क्या एलसीएम 45 आएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, मतलब चांसेस है नहीं होने के। अगर हम ए को 18 मिनट मान लें और बी को 18:20:30 हो जाएगा ना, यानी अगर ये 18 मिनट लेगा तो ये 12 मिनट अधिक, यानी ये 30 मिनट लेगा, इसका एलसीएम कितना होगा भाई, 30 और 18 का 90, तो 90 क्या 45 का मल्टीपल है? हाँ सर, मैक्सिमम चांस हो सकता है। देखो कैसे भाई, ये कैपेसिटी मान लो, तो 90 लीटर को ए 18 मिनट में, 1 मिनट में 5 लीटर पर मिनट, कहोगे हाँ सर, बी 30 मिनट में 30/3 यानी 3 लीटर पर मिनट। तो आप ये करना है कि दोनों मिलकर ए और बी आप जोड़ो, ए और बी कितना टाइम लेंगे भाई, ए और बी 90 लीटर को ए फिल करेगा 5 लीटर, बी 3 लीटर, दोनों मिलकर 8 लीटर फिल करेंगे। तो इसको डिवाइड करोगे, 45/4 आ रहा। हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब अगर आप मानते हैं कि भाई जो बड़ा पाइप है वो 18 मिनट में भरेगा तो सही आंसर होगा। तो ऑप्शन से कर लोगे, ज़्यादा आसान है, लेकिन ऑप्शन तभी आपको सुटेबल होगा जब ये समझेगा कि यानी इसके मल्टीपल के फॉर्म में जो है कैपेसिटी आनी चाहिए, क्योंकि ये कैपेसिटी डिवाइड बाई टाइम है ना। तो 45 के मल्टीपल के फॉर्म में या 45 के फैक्टर के फॉर्म में आप लोग लेट करोगे तभी आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल आसान है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? कहोगे नहीं सर, और बेसिक आपको बता भी दिए हैं, बेसिक सॉल्व कर लोगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश निम्नलिखित समीकरण को हल करने के लिए दो चिन्हों का परस्पर बदलना होगा। देखो ज़्यादातर ये रीजनिंग में आता, लेकिन मैथ्स में शायद दे दिया गया, चलो वो भी बता देते हैं।
यानी ये कह रहा है कि देखो यहाँ 63 है डिवाइड बाई 7 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 46 बराबर 2। यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है डिवाइड यानी किसको बदल दो, जैसे डिवाइड है उसकी जगह पर माइनस कर दो, यानी माइनस की जगह पर डिवाइड कर दो। क्या ऐसा करने पे जो ये है यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी? कहोगे सर चेक करते हैं। देखो आप अगर डिवाइड की जगह पर माइनस कर दोगे, ठीक है ना, और माइनस की जगह पर डिवाइड कर दोगे, ये तो कह रहा ना, तो कहोगे सर 63 माइनस 7 तो 9 6 54 हुआ और प्लस 5 यही 15 हुआ डिवाइड बाई 46। तो क्या ये सर 2 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, डिवाइड ही नहीं होगा। इसका मतलब पहला सरासर गलत है, पहले को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये गलत है। सेकंड देखो इनटू और प्लस, यानी प्लस की जगह पर इनटू कर दो और इनटू की जगह पर प्लस कर दो, क्या इससे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आता है? तो कर दो भाई। आप कहोगे सर इनटू है तो इनटू के प्लेस पर आपको क्या करना है? प्लस करना है, और प्लस के प्लेस पर क्या करना है? इनटू करना। कहोगे हाँ सर कर दीजिए आप, इसका एडजस्टमेंट मत करिए। तो क्या हो जाएगा देखो, 63 डिवाइड का मतलब इनटू यानी 1/7 ये करोगे ना, और इनटू 5 है कहोगे हाँ सर, प्लस यहां से ध्यान दीजिएगा 3 माइनस 46। बताओ कोई डाउट यहां तक? सॉल्व करो, 7 नवाई 63, 9 पचे 45, तो 45 प्लस 3 48 और माइनस 46, क्या इसका आंसर 2 नहीं आ रहा है? आ रहा सर। इसका मतलब अगर आप प्लस के जगह पर इनटू, इनटू के जगह पर प्लस कर दोगे, यदि दोनों साइन इंटरचेंज कर दोगे, तो बिल्कुल हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बॉड मास के इक्विवेलेंट हो जाएगा। कहोगे वाह सर वेरी गुड, यानी इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 आप सही आंसर मानोगे। कोई डाउट है? नो सर बिल्कुल सही है। और बस आपको क्या करना है, ये साइन यानी जहां डिवाइड है वहां माइनस, माइनस से डिवाइड, या इनटू है प्लस, प्लस है इनटू, यही आंसर आएगा। जब तक नहीं आएगा भाई तब तक आप लोग इंटरचेंज करके चेक करना पड़ेगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन ज्यादातर आप देखोगे आता है, मैथ्स में भी आते हैं। कहोगे हाँ सर वेरी गुड। इसको देखो भाई, अपूर्वा 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे से अलग अलग गति से बराबर दूरियां तय करती है, और तथा इस यात्रा को पूर्ण करने में 19 मिनट का समय लगता है इसके द्वारा तय। बहुत सही भाई, ये कह रहा कि एक दूरी है भाई अपूर्वा के लिए, ये जाना है यहां से यहां तक दूरी है, इस दूरी को बराबर 3 भाग में जाती है। पहला भाग 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, कहो हाँ सर। सेकंड पार्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, कहोगे यस। और थर्ड पार्ट भैया थक जाती है तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो पूरे बराबर तीनों भाग जाती है अलग अलग चाल से, कुल टाइम आपको कन्फर्म है यानी क्वेश्चन में दिया है सर 19 मिनट लगेंगे। ठीक है, आपको बताना भाई कुल दूरी कितनी है, जैसा इजी लगे। यानी ये पता तीनों बराबर भाग, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है ना, तो तीनों बराबर भाग चाहे आप लोग वैल्यू लेट कर लो, चाहे ज्यादातर आप लोग एक्स मानते हो ना, हम मान ले तीनों बराबर भाग, यानी इसकी जो डिस्टेंस है एक्स किलोमीटर मान ले, ठीक है सर, ये भी एक्स किलोमीटर है, अच्छा ये भी एक्स किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये x है, ये x है, टोटल दूरी कितनी है सर 3x है ना। तो आपको दिया गया कुल दूरी जाने में समय 19 मिनट, तो भाई आप कहोगे सर पहली x किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की चाल से कितना समय लगेगा? इतना। x किलोमीटर की दूरी दूसरी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कितना समय लगेगा? तो x किलोमीटर दूरी तीसरी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे कितना समय लगेगा? यानी पहला टाइम प्लस दूसरा टाइम प्लस तीसरा टाइम इक्वल टू 19 मिनट्स, और मिनट को आवर में कर दो, 60 से भाग कर दो। क्यों? क्योंकि भाई ये किलोमीटर में मान रहे हो और चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो सभी टाइम आवर में निकलेगा, तो टाइम को आवर में कन्वर्ट कर दो, सॉल्व कर लोगे भाई। सॉल्व करने का मतलब बेस्ट तरीका ये 10, 20 और 6 का एलसीएम, 10, 20 और 6 का एलसीएम कहोगे 60 होगा, तो 60 होगा, तो यहां से 10 6 60 यानी 6x हुआ, और प्लस यहां से 20 3 60 3x हुआ, कहोगे हाँ सर, प्लस यहां से 6 6 60 10x हुआ, कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ये बराबर 19/60 हुआ। अरे वाह सर ये कट गया, 6 3 9 10 19x हुआ सर, 19x की वैल्यू 19 हुआ, तो x की वैल्यू कितना 1 हुआ, यानी 1 किस में आएगा? x यानी किलोमीटर में आएगा, यानी सर ये 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है, सर ये भी 1 किलोमीटर है, तो सर टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो 1 प्लस 1 प्लस 1 का मतलब कितना है? कहोगे 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर ही गया।
गया तो 3 किलोमीटर में चाल चेंज करके गया, इसका मतलब कवर्ड बाई हिम इज इतना। ये किलोमीटर में दिया है 3 किलोमीटर भाई, यानी 3 बराबर भाग, 1-1 किलोमीटर जाएगा और टोटल वो 3 किलोमीटर जाएगा। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा समझना था। चलो इसको, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है? 14 मीटर प्रति सेकंड की गति के समान है, किसमें भाई? किलोमीटर पर आवर में आपको बताना, कुछ नहीं करना, सिंपली आप बताओ। 14 मीटर पर सेकंड है, आपको हमने पहले बताया था भाई कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, किससे गुणा करोगे? कहोगे 5/18 से। क्यों गुणा करे थे? ये भी हमने बताया था कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा, किलोमीटर को मीटर में और आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे ना, कहोगे यस सर। अच्छा, अगेन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, सो किससे? 18/5 उल्टा करोगे ना, तो बस बिल्कुल 14 मीटर पर सेकंड है, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, इसको लिख दो किलोमीटर पर आवर, कोई डाउट नहीं। कहोगे हाँ सर। तो यहां से 18 × 4=72 हुआ, 18 × 1=18 और 7 × 25 ÷ 5, तो 5×25 हुआ, कहोगे हाँ सर, 0.5 किलोमीटर पर आवर, तो 504 यानी 50.4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी ये आंसर बिल्कुल सही है। इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता, सबसे इजी हमें लगता आज का क्वेश्चन यही है। चलो फिलहाल उस पर ज्यादा टाइम नहीं देते, इसको समझिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, पढ़िए। मतलब ऐसे क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करते हैं, ये खासकर एएलपी में हुआ या एसएससी जीडी में हुआ, इन सब में बहुत आते हैं। कहोगे जी सर क्या लिखा भाई? एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कम पाया, यानी 85 टोटल हैं, तो 85 में से जो 40 स्टूडेंट हैं ये 50% से कम अंक लाए हैं ना, 50% से कम लाए हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे पूरा पढ़िए, फिर जो है आगे एलिबरेट करने की कोशिश करिए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट छात्र 40 हैं हाँ, की संख्या 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से क्या अनुपात है? अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है, याद करिए 85 टोटल हैं, 40 50% से कम पाए हैं, यानी जो रिमेनिंग 45 बचेंगे वो या तो 50% पाएंगे या उससे ज़्यादा पाएंगे। 50% से कम वाले 40 छात्र हैं और बाकी 50% पाने वाले, उससे अधिक पाने वाले छात्र कितने हैं? 45 है, यही तो कह रहा ना, तो दोनों में आनुपातिक मान बताना सर, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। 5:8 और 5:9 यानी 8:9, वाह इतना इजी क्वेश्चन सर अगर होगा तो एलपी निकल गया। बस क्वेश्चन समझना है, यानी इसके पहले वाला क्वेश्चन 17 और 18 बिल्कुल ओरल आंसर है, ठीक है ना, आसानी से आप बता सकते हो। कहोगे वाह सर, 19 का मासा है, आपको वेरिएबल में मासा दिया, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएं। कौन से नंबर भैया? 6xy²z 8x²y³z, यहां 12 यहां। तो सबसे पहले देखो नंबर्स, यहां HCF यानी मासा की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दे देंगे, पहले मासा यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई? 6, 8 और 12 का HCF क्या होगा? देखते ही समझ में आ रहा है, तो 6, 8, 12 का 6 और 8 का डिफरेंस 2 हुआ, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 6 मतलब 2 ही होगा, यानी इसका HCF कितना? 2 होगा, 2 से कट जाएगा ये भी, यानी बहुत बड़ी बड़ी संख्या नंबर्स में जो इसको डिवाइड कर दो होगा। आप बताओ यहाँ सबसे x है, यहाँ x² है, x³, यानी कॉमन क्या होगा? यानी x कॉमन होगा हाँ सर, यहाँ y² y³ y³, यानी y की मैक्सिमम पावर 3 है, मिनिमम पावर 2 है, तो मिनिमम तो कॉमन होगी ना, यानी y² कॉमन होगी। वैसे z² z³ यानी z कॉमन होगा सर, 2xy² z यहाँ होगा, बिल्कुल कंफर्म आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, मासा आप लोग प्रॉपरली अच्छे से बता सकते हैं। इसको बताओ सबसे आसान क्वेश्चन, हमें लगता है कि आज का सबसे आसान जो पहले वाला है ये सब इजी क्वेश्चन है। यदि k 2k plus 1, 2k plus 5, 2k plus 9 का माध्य त्रिज्या है, k का मान, माध्य का मतलब क्या होता है भाई? यानी औसत, माध्य को भी आप क्या बोल सकते हो भैया? एवरेज, औसत,
और एवरेज का फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला सबको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आप ये बोल सकते भैया जो सम होता है वो औसत इनटू नंबर के बराबर होता है। तो हाँ बताइए, कोई डाउट सर? कोई डाउट नहीं। ओके ध्यान नहीं दिए, चलो बताओ। कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है। चलो इसको बताओगे आप, कहोगे सर के 2k प्लस 1, 2k प्लस 5, 2k प्लस 9 का माध्य 30 है, यानी औसत 30 है। तो आपको पता है भाई औसत क्या होता है? औसत यानी इनका कितने नंबर से, 1 2 3 4 ना, चार है। तो चारों का नहीं, चार नहीं, एक और है कि 1 2 3 4, यहाँ कितने भाई, 1 2 3 4, हाँ ठीक है सही, कोई डाउट नहीं है। तो आपको कन्फर्म है भाई इनका सम, तो k प्लस 2 के 3k और 2 5 के, 5 और 2 7 के, तो 7 के प्लस 1 5 6 9 6 15 इक्वल टू कितना, इनका औसत 30 था, चार संख्याओं का औसत 30 है, इनका सम कितना, ये तो सम k के फॉर्म में और सम जो है औसत इनटू नंबर के फॉर्म में 120 आना चाहिए। सर 7 के की वैल्यू 120 माइनस 15, यानी आप बोल सकते हो सर 105। हाँ सर, k की वैल्यू क्या होगी, 105 डिवाइड बाई 7, तो कितना हुआ सर, तो 15 7 105 15। बताओ इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, चाहे ऐसे कर दो और चाहे ये कर देते भाई, 7 के प्लस 5 डिवाइड बाई 4 करते तो माध्य हो जाता है, यानी औसत हो जाता है, तो 4 इधर आएगा मल्टीप्लाई, बात तो वही है ना। हो गया, हाँ सर। तो जब आपको माध्य दिया है यानी औसत दिया है, तो सम तो पता है, माध्य इंटू नंबर यानी 30 माध्य है, चार संख्याओं का 300 यानी 120, 120 सम होगा, सबको जोड़ दो, 120 के बराबर करो, तो भाई के में वैल्यू आ ही जाएगी। इसमें बताओ कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसको ओरल सॉल्व कर सकते थे। वाह बहुत अच्छी बात है, तो बिल्कुल भाई ओरल सॉल्व करिए। तो आई होप आज के क्वेश्चंस बिल्कुल आसान आसान थे, सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, बस केवल लैंग्वेज ध्यान से समझना है, यानी पढ़ना बहुत अच्छे से। ऐसे क्वेश्चंस में आप जल्दबाजी कर सकते हैं, यानी जब आसान क्वेश्चंस होता है गलत होने के चांस तब बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब आसान हो उनको बिल्कुल ध्यान से करिए। ALP में, CBT 1 में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, आए हुए हैं भाई बहुत बार। हाँ वो अब थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि मॉडरेट बनाएंगे, वो आपको वो भी बता देंगे। फिलहाल हम बेसिक से लेके चीजों को रिलेट करें। डेली आपके साथ कितने बजे मिलेंगे भाई, यानी 7 बजे आपको मिलेंगे, 7 बजे डेली हमारी क्लास होगी मैथ्स की। अच्छा जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इनमें कोई क्वेश्चंस क्योंकि डीपली नहीं बता रहे ना, हम आपको बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो किसी क्वेश्चन में ज्यादा डाउट लगता है तो याद करिए भाई, आप उस टॉपिक का नाम लिखिए और मैथ्स बाई शिवानंद सर स्टडी 91 चैनल पे जाएंगे, बिल्कुल वो टॉपिक मिल जाएगा और उसे रिवाइज कर सकते हैं, एक बार आप देख सकते हो और उसके थ्रू आप जो है क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, जो आसानी से समझ में आ जाएगा। कहोगे यस सर लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं भाई, अलग जो है किसी टॉपिक के साथ और जो है किसके साथ, यानी प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक ALP का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक कोशिश करेंगे भाई, टॉपिक और मॉडल पेपर टेक्स्ट पेपर जरूर आप लोग सॉल्व कराते रहेंगे, तो आप डेली जरूर जुड़िएगा, बाकी हम आपके साथ हैं। ओके टेक केयर, गुड नाइट।